नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है WRC न्यूज में। तो दोस्तों, इसराइल के बिगड़ते हुए हालात को देख के कहा जा सकता है कि इसराइल आज एक गहन परीक्षा से गुजर रहा है, और ये परीक्षा सिर्फ इसराइल के लिए ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है। एक ओर इसराइल समर्थक है तो दूसरी ओर फिलिस्तीन समर्थक है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि आज कुछ गुट ऐसे भी हैं जो कि न्यूट्रल बने हुए हैं, जैसे कि इंडिया आज न्यूट्रल होकर दोनों के मामले में चल रहा है, लेकिन वो जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी को समर्थक कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो अभी की सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में आज इसराइल ने चीन को पटखनी दे दी है, और इसराइल ने चीन को ये सब पीटा है कि चीन आज वर्ल्ड मीडिया में रोना रो रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में आज इसराइल के खिलाफ किसी भी देश का जोर नहीं चल रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की एक भी बयान कोई जारी करके इसराइल को इसराइल का विरोध कर सके, और इसी का फायदा उठाते हुए इसराइल की सेना आज मौत का तांडव मचा रही है फिलिस्तीन में। और खबर तो ये है कि इसराइल इतना परेशान हो चुका है गाजा पट्टी और हमास के आतंकियों से कि अब इसराइल सोच रहा है कि इसकी पूरी पूरी जड़ें उखाड़ दी जाए ताकि ना रहेगा पेड़ ना उगेगी, समझ जाइए अब आप। लेकिन वहीं आप सोच के देखिए कि इसराइल की सेना 400 से ज़्यादा बम हमास के ठिकानों पर गिरा चुकी है। लेकिन मजा ले किसी की कि यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ कोई बयान दे दे। लेकिन वहीं ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका और इसराइल के कारण। अमेरिका ने दो बार इसराइल की मदद की है इस कॉन्फ्लिक्ट में। दरअसल पहली बार तब अमेरिका ने ऐसा सहयोग किया था जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब अमेरिका ने इसराइल को पूरी छूट दे दी थी कि आपको अपने सेल्फ डिफेंस में जो करना है वो कर सकते हैं, तब की थी। और दूसरा तब की थी जब चाइना जो अभी प्रेसिडेंस का जो उसका महीना चल रहा है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में, तभी अभी चाइना का महीना है जो वो बोलेगा पूरी दुनिया को किस टॉपिक पे बात करना है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में, तब पूरी दुनिया को उस टॉपिक पे बात करना पड़ेगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। चाइना तुर्की ने यही सोच के अभी चाइना के पास गया था ताकि वो चाइना को मना सके और यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में फिलिस्तीन और इसराइल का जो मामला है वो उठा सके, परंतु ऐसा हुआ नहीं। चाइना ने उठाया लेकिन अमेरिका ने उस पर वीटो लगा दिया, और इसी के साथ दोस्तों चाइना पे वीटो लगा दिया अमेरिका ने ताकि इसराइल के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं होगी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में। और वहीं दूसरी मीटिंग जब इसके बाद जब वीटो लगा दिया अमेरिका ने, तब इसके बाद एक और मीटिंग चाइना ने करवानी चाहिए ताकि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस पर कोई मीटिंग हो सके, परंतु वहीं इसी के साथ फिर से अमेरिका ने इस मीटिंग पे वीटो लगा दिया है ताकि इसराइल पे कोई भी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से मीटिंग ना हो सके। इसी के साथ इसराइल के अमेरिका ने इस कॉन्फ्लिक्ट में दो बार बहुत मदद कर दी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में। और दोस्तों, अमेरिका की वीटो लगाते ही से ये फाइनल हो गया है कि हमें इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में मतलब इसके विषय पे यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मीटिंग नहीं होगी। और वहीं चीन ने इस पे बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका आज इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति स्थापित करने के लिए एक रोड़ा बन गया है। परंतु यही वही चीन है जिन्होंने म्यांमार में जब तख्तापलट हुआ था तब अमेरिका के एक प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगाते हुए उसे रोक दिया था। और इसी के साथ अमेरिका ने चाइना को जैसा जैसा का तैसा दे दिया है, और इसी के कारण चाइना की आज चीखें निकल रही है अमेरिका पे। और इसी के साथ दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि इस विषय पे आप क्या सोच रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं कमेंट करके। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।